गणतंत्र दिवस को देखते हुए देश भर में हाई अलर्ट जारी कर दिया है ताकि कोई आपराधिक घटना ना घटे। लेकिन शायद राजधानी के सबसे नजदीक सोनीपत रेलवे स्टेशन की जीआरपी पुलिस को इसका नहीं पता है, इसलिए अभी वो सो रही है। इसका नजारा भी सोनीपत रेलवे स्टेशन पर देखने को मिला। सोनीपत रेलवे स्टेशन राजधानी दिल्ली के सबसे नजदीक रेलवे स्टेशन है, जहां पर दिल्ली जाने वाली एक्सप्रेस ट्रेनें भी सबसे ज्यादा हैं। लेकिन उसके बावजूद भी रेलवे स्टेशन पर कहीं भी पुलिस दिखाई नहीं दी। हद तो तब हो गई जब मेन गेट पर लगे हुए मेटल डिटेक्टर तक गायब मिले। वहीं यात्री और ट्रेन बगैर चेकिंग के ही दिल्ली की तरफ जा रही है और वहीं थाना प्रभारी का कहना है कि चेकिंग की जा रही है। हालांकि मेटल डिटेक्टर के बारे में जनाब को खुद भी पता है और उन्होंने कहा कि आज शाम तक पहुंच जाएगा। तस्वीरें सोनीपत रेलवे स्टेशन की हैं। हालांकि इस रेलवे स्टेशन को जंक्शन बना दिया गया है और मॉडल स्टेशन की उपाधि भी मिल चुकी है, लेकिन यहां पर सुविधा तो पहले से ही गायब है। लेकिन अब हाई अलर्ट जारी होने के बाद भी पुलिस स्टेशन से गायब हो चुकी है। आपको बता दें कि गणतंत्र दिवस को देखते हुए देश भर में पुलिस को चौकन्ना करने के लिए हाई अलर्ट जारी किया है ताकि कोई अप्रिय घटना ना घटे। लेकिन राजधानी के सबसे नजदीक सोनीपत रेलवे स्टेशन, उसके बावजूद भी आप देख रहे हैं कि मेन गेट से मेटल डिटेक्टर और स्टेशन से पुलिस गायब है। यात्री और ट्रेन बगैर चेकिंग के ही दिल्ली की तरफ जा रहे हैं। ऐसे में सवाल खड़े होते हैं कि कोई अगर घटना घटती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। सोनीपत से श्याम सुंदर की रिपोर्ट। अपने प्लेटफार्म नंबर 1-2 पर गहन छानबीन चल रही है। जिस यात्री को शक होता है उसकी तलाशी ली जा रही है। बाकी ट्रेन का आवागमन ठीक चल रहा है, कोई गाड़ी लेट नहीं है, पीसफुल हमारे इलाके में। अगर स्टेशन पर एंट्री की बात करें तो वहाँ पर एंट्री का मेटल डिटेक्टर लगा देंगे आज शाम को। कितने जवानों को तैनात किया गया है? हमारे 7 जवान लगे हुए थे, 7 नाइट को 7 दिन को। सभी की चेकिंग चल रही है सर? जो गाड़ियाँ आ रही हैं सर, बड़ी गाड़ियाँ रुकती हैं, उनकी गाड़ियों की भी हो रही है सर चेकिंग? हाँ ना, उनकी चेकिंग कर रही हूँ। गाड़ी में खुद से चढ़ के चेक करता हूँ मैं उन गाड़ियाँ में, जिसमें डिब्बे में ज़्यादा भीड़ है उसको देखता हूँ, समझाता हूँ पब्लिक को, भाई कोई भी बात हो रहा हमारा नंबर लो, कॉन्टेक्ट करो।